Dear students, welcome to preparation and test session 2021. Dear students, आज हम chemistry part 2 का test number 2 discuss करेंगे, जिसमें chapter number 7 और 9 है, fundamental principles of organic chemistry है और aromatic hydrocarbons. इसका A paper start करते हैं, सबसे पहले objective part. Tetraethylead is added in petrol. Tetraethyl add जो है वो knocking को stop करने के लिए use किया जाता है to prevent knocking. क्योंकि अगर poor quality fuel use करेंगे तो उससे engine में knocking produce. Which of the following is an amide? Amide होता है C double bond O NH2. तो C double bond O group given option में से सिर्फ alpha में है. तो ये आ जाएगा C double bond O NH2 यूरिया में अमाइड फंक्शनल ग्रुप. नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ C4H10. C4H10 ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन के दो आइसोमर होते हैं, एक होता है N ब्यूटेन और दूसरा होता है आइसो ब्यूटेन. तो C4H10 के हमारे पास जो आइसोमर बनेंगे वो दो आइसोमर बन जाएंगे. टॉटोमरिज्म, टॉटोमरिज्म अराइज होती है प्रोटॉन की शिफ्टिंग से, जैसा कि अमाइनो एसिड में अमाइनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के दरमियान प्रोटॉन की शिफ्टिंग होती है. कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन, बेंजीन में चूंकि कार्बन जो बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन वो डबल और सिंगल का तकरीबन एवरेज होते हैं, तो बॉन्ड लेंथ जो है वो सिंगल से कम होगी और डबल से ज्यादा होगी. तो ये 1.397 which is not meta directing group. Amino group is not a meta directing group. जिसमें आमतौर पर जिसमें भी pi bond आ जाता है वो जो है वो meta directing group बन जाता है. Resonance energy of benzene, resonance energy 150 kilojoule per mole है. जितनी ज्यादा resonance energy होती है उतनी ही stability ज्यादा होती है. Which is used as a catalyst during halogenation of benzene. हैलोजिनेशन में और फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन असाइलेशन में लिवस एसिड कैटलिस्ट यूज होते हैं और लिवस एसिड कैटलिस्ट AlCl3 है, तो ये कैटलिस्ट यूज होगा इन हैलोजिनेशन. अब है सब्जेक्टिव पार्ट. सब्जेक्टिव पार्ट में रिएक्शन ऑफ बेंजीन, टू रिएक्शन ऑफ बेंजीन इन विच इट एक्ट्स एज अनसैचुरेशन. इसमें आप हाइड्रोजन की एडिशन कर दें, दिस इज एडिशन रिएक्शन जो कि अनसैचुरेशन को शो करेगा. आप ब्रोमीन ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. तो कोई से दो रिएक्शन आपने लिखनी है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन सारी लिखनी है क्योंकि ब्रोमीन ऐड जो होगा वो सनलाइट की मौजूदगी में होगा. व्हाई बेंजीन इज लेस रिएक्टिव देन एल्कीन, दिस इज ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन. यहाँ बेंजीन की डीलोकलाइजेशन का जिक्र करना जरूरी है. वो बेंजीन इज कन्वर्टेड इंटू बेंजोइक एसिड. बेंजीन से पहले टोलोइन बनाते हैं और टोलोइन की ऑक्सीडेशन कर देते हैं, साइड चेन ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन. तो ये रिएक्शन दो स्टेप में होना था. पहले तो फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन होनी है, यानी बेंजीन टोलोइन में चेंज होना है. इसमें भी आपने लिवस एसिड कैटलिस्ट और कंडीशन पूरी लिखनी है और फिर टोलोइन की जो साइड चेन ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन है एसिड KMnO4 या पोटेशियम डाइक्रोमेट वो यूज करके इसको बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करते हैं. What happens when benzene is heated in free supply? Simply, benzene hydrocarbon है. जब आप उसको free supply देंगे तो combustion reaction हो जाएगा, यानी यहाँ पर carbon dioxide और water बन जाएगा और साथ साथ यहाँ से चूंकि combustion exothermic reaction है heat evolve हो जाएगा. For benzene can be prepared from sodium benzoate. Sodium benzoate की decarboxylation कर दें और decarboxylation के लिए आपको पता है हम soda lime use करते हैं, तो यहाँ पर आप add कर दें soda lime. और दूसरा फिनोल से प्रेपरेशन है. फिनोल से प्रेपरेशन के लिए सिंपली रिडक्शन करनी है, यानी आप इसमें जिंक ऐड कर दें तो इस तरह से बेंजीन बन जाएगी. टू फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कोई भी फीचर लिख सकते हैं. ये बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनके रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होते हैं, आइसोमरिज्म शो करते हैं, कोवलेंट इन नेचर होते हैं. गिव आइडिया अबाउट नॉकिंग इन द इंटरनल कंबस्शन इंजन. इंटरनल इसमें आप नॉकिंग की डेफिनेशन करेंगे और फिर नॉकिंग की रीजन बताएंगे और रीजन क्या होती है नॉकिंग की ये भी बताएंगे और फिर इसके लिए आप क्या करते हैं, या तो अच्छी क्वालिटी का फ्यूल या फिर एंटी नॉकिंग एजेंट यूज करते हैं. व्हाट आर पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स. पॉलीसाइक्लिक में आपने बताना है जिनमें एक से ज्यादा रिंग्स होती हैं. यहाँ पर आपने
दोनों टाइप्स भी बतानी है, आइसोलेटेड भी और फ्यूज्ड रिंग भी, और फिर आइसोलेटेड और फ्यूज्ड रिंग दोनों की कम से कम एक एग्जांपल भी देंगे तब जाके ये क्वेश्चन पूरा होगा। आइसोलेटेड है और दूसरी फ्यूज्ड रिंग है पॉलीसाइक्लिक वाले, तो ये आपने इनकी एग्जांपल भी देनी है। आइसोमर्स ऑफ C4H9Cl, इसके चार आइसोमर होते हैं, एक होता है एन ब्यूटाइल क्लोराइड, दूसरा होता है आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, और इसके साथ साथ तीसरे वाला जो है सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल बन जाएगा। अगर हम आइसो ब्यूटाइल की स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो इस तरह से ब्रांच होगी, दिस इज आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, और फाइनली एक आइसोमर बन जाएगा इसका टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो ये चार आइसोमर आप ड्रा करेंगे फिर आपको यहाँ पर पूरे नंबर मिलेंगे। तो इस तरह से आपने शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में पहला तो क्रैकिंग है, सबसे पहले तो आपने क्रैकिंग की लिखनी है डेफिनेशन, और डेफिनेशन के साथ आप देंगे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के बाद आप इसका पर्पस बताएंगे कि आप क्रैकिंग क्यों करते हैं, इसकी नीड क्या है, यानी हम गैसोलीन की क्वांटिटी को ज्यादा करना चाह रहे हैं क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कम मिलता है। फिर इसकी टाइप्स, तीनों टाइप्स डिस्कस करनी है यहाँ पर, और टाइप्स की हर टाइप में फिर आपने उसकी इंपॉर्टेंस भी बतानी है, कंडीशंस भी बतानी है, और फाइनल जाके आपने इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है, ओवरऑल क्रैकिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, फिर ये क्वेश्चन कंप्लीट। इसी तरह दूसरे क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपने रेजोनेंस को डिफाइन करना है, उसके बाद आपने रेजोनेंस मेथड से, रेजोनेंस को डिफाइन करने के बाद आपने डीलोकलाइजेशन का जिक्र करना है, उसके बाद आपने बेंजीन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रा करनी है, उनको नाम देने हैं, नाम देने के बाद उनका कंट्रीब्यूशन बताना है रेजोनेंस हाइब्रिड की तरफ, और फिर एंड पे स्टेबिलिटी भी यहाँ पर आपने कर देनी है। तो इस तरह से ये आप डिस्कस करेंगे, कॉन्जुगेशन का भी जिक्र करेंगे। अब देखते हैं चैप्टर 7+9 का जो बी टेस्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पार्ट है, विच इज इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप मैंने अभी पेपर ए में भी बताया था कि जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप आ रहा है, कार्बन पाई बॉन्ड बना रहा है, वो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग है। बेंजीन कैन नॉट अंडरगो, बेंजीन की एलिमिनेशन नहीं हो सकती, बाकी बेंजीन में सारा कुछ हो सकता है, बेंजीन की एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो विद ड्राइंग और बेंजीन की एलिमिनेशन नहीं है। ऑक्सीडेशन आपने की हुई है, मैलिक एनहाइड्राइड बनाया, कंबस्शन की है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की है, बरोमीन की है, सब्स्टिट्यूशन तो फिर बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन सारे की, विच कैन बी यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। कैटलिस्ट किसको यूज करते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड को, लिवस एसिड कैटलिस्ट। एरोमेटिक कंपाउंड्स बर्न विद सूटी फ्लेम, क्यों, क्योंकि इनमें परसेंटेज ज्यादा होती है इस वजह से सूटी फ्लेम होता है। डायमिथाइल ईथर शो द फिनोमिना ऑफ, डायमिथाइल ईथर देखिए इसमें मेटाबॉलिज्म तो हो नहीं सकती क्योंकि कार्बन दो है, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बना सकती है, किसके साथ, अल्कोहल के साथ, इथाइल अल्कोहल इसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बन जाएगा। बॉन्ड एंगल बिटवीन sp2 में बॉन्ड एंगल जो होता है 120 होता है, sp3 हो तो 109.5, और अगर sp हो तो 1। COOH दिस इज कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप, और फाइनली ऑक्टेन नंबर 100 किसको देते हैं, आइसो ऑक्टेन को, और आइसो ऑक्टेन 2-4 ट्राइमिथाइल पेंटेन को कहते हैं। तो ये MCQs के आंसर बन जाए। नेक्स्ट डे शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे आप, शॉर्ट क्वेश्चन में देखें मैकेनिज्म ऑफ सल्फोनेशन, सल्फोनेशन चार स्टेप हैं सल्फोनेशन के, पहले सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं, फिर उस पर बेंजीन का अटैक होता है, फिर हाइड्रोजन निकलता है, और फाइनल जाकर उसको सल्फोनेशन के लिए एसिड से हाइड्रोजन लेना पड़ता है। वर्ड स्पिटिंग रिएक्शन में आप रिएक्शन दे के एक्सप्लेन करेंगे, एक आप अल्काइल बेंजीन ले लेंगे और दूसरा अल्काइल हैलाइड, दोनों का आपस में रिएक्शन करवा देंगे, फिर यहाँ पर भी कंडीशन पूरी लिखेंगे। और बेंजीन इज प्रीपेयर्ड इन द लेबोरेटरी, दो मेथड आपने लिखने हैं, बुक में तीन तीन मेथड दिए हैं, कोई से दो मेथड लिखते हैं। How do you justify that 150.5 kilojoule per mole is the resonance energy of the benzene? तो यहाँ पर दोनों का आप कैक्यूल स्ट्रक्चर हाइड्रोजिनेशन वाले मेथड से कैक्यूल स्ट्रक्चर और फिर इसकी जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है दोनों का आप डिफरेंस निकाल लेंगे। बट आर मेन ऑब्जेक्शन टू कैक्यूल स्ट्रक्चर, कैक्यूल स्ट्रक्चर के जो मेन ऑब्जेक्शन है उसमें एक तो कैक्यूल की स्ट्रक्चर के मुताबिक डबल बॉन्ड फिक्स है तो इसका मतलब है बेंजीन को एडिशन रिएक्शन देने चाहिए, लेकिन बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है।
इसके अलावा कैकूल के स्ट्रक्चर का कोई ऑब्जेक्शन ये है कि अगर डबल बॉन्ड फिक्स है तो फिर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ दो तरह की होनी चाहिए, सिंगल और डबल, हालांकि वो एक ही तरह की होती है। इसी तरह KMnO4 और ब्रोमीन वाटर के साथ कलर डिस्चार्ज हो जाना चाहिए, जैसे एल्कीन्स और अल्काइन्स में होता है, बेंजीन का भी हो जाना चाहिए लेकिन नहीं होता क्योंकि डबल बॉन्ड फिक्स नहीं है। तो ये सारे ऑब्जेक्शन है कैकूल की स्ट्रक्चर। सिस ट्रांस आइसोमरिज्म को आपने डिफाइन करना है, और डिफाइन करने के बाद आपने एग्जाम्पल भी देनी है कि डबल बॉन्ड के अराउंड ग्रुप इस तरह से लगे हों तो सिस है, और अगर ऑपोजिट साइड पे लगे हों तो फिर ट्रांस है। डिफाइन कैटिनेशन, कैटिनेशन जो है उसको आपने डिफाइन करना है, और फिर कार्बन क्यों शो करता है, कैटिनेशन क्यों इतने बॉन्ड बनाता है, क्यों आइसोमरिज्म शो करता है, उसकी रीजन बतानी है। डिफाइन क्रैकिंग, क्रैकिंग को डिफाइन करते हैं, और जो टाइप्स ऑफ क्रैकिंग है सबके सिर्फ नाम लिखने हैं आपने, के थर्मल है और कैटलिटिक है और स्टीम, और लास्ट में नेम फोर होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स विच आर नॉट एरोमेटिक। तो जितनी भी साइक्लो अल्केन्स हैं, जैसे साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोब्यूटाडाइन, इसी तरह साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोपेंटीन है, साइक्लोपेंटाडाइन वगैरह वगैरह है, ये सारे के सारे क्या है, होमोसाइक्लिक हैं लेकिन एरोमेटिक नहीं। सब्जेक्टिव पार्ट है व्हाट इज रिफॉर्मिंग, आपने यहाँ पर रिफॉर्मिंग की डेफिनेशन लिखनी है, और साथ आपने डेफिनेशन लिखने के साथ साथ इसकी एक एग्जांपल देनी है, और इसके बाद इसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले तो आप इसमें नॉकिंग का जिक्र करेंगे, नॉकिंग की रीजन बता देंगे कि नॉकिंग ये है, नॉकिंग की वजह ये, पुअर क्वालिटी फ्यूल होता है और इसके लिए ओवरकम करने के लिए हम गुड क्वालिटी फ्यूल रिफॉर्मिंग से बनाते हैं। इसके साथ साथ आपने वहाँ गुड क्वालिटी फ्यूल के लिए ऑक्टेन नंबर को भी यहाँ पर डिफाइन करना है, और फिर लास्ट में जाके आपने एंटी नॉकिंग एजेंट बता देने हैं, टेट्राइथाइलेट, और टेट्राइथाइलेट का फिर ड्रॉबैक भी बताना है। लास्ट में है ये चार रिएक्शन लिखने हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रोमिनेशन, इनकी ब्रोमोनेशन करनी। नाइट्रो ग्रुप जब ब्रोमिनेशन करेंगे तो ये कहाँ भेजेगा, ये मेटा पे भेजता है, एल्डिहाइड में एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है ये भी मेटा पे भेजता है, ब्रोमोबेंजीन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये ऑर्थो और पैरा पे भेजेगा, और फिनोल में भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये ऑर्थो और पैरा पे भेजेगा। इस तरह इसमें भी आप दो प्रोडक्ट बनाएंगे, इस वाले में भी दो प्रोडक्ट बनाएंगे, और इस वाले में एक एक प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पर सारी कंडीशन के कैटलिस्ट कौन सा है, रिएक्शन किन कंडीशन में है, टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, ये सारी बातें डिस्कस करनी है। ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारी आज की डिस्कशन, थैंक यू वेरी मच।